फर्स्ट क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल इज गोइंग ऑन अ ओवर ब्रिज, ओवर ब्रिज ऐसे ओवर ब्रिज है, ऑफ रेडियस आर, जैसे जैसे और कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ, वी सेम है, वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा है, असेंडिंग ओवर ब्रिज ऊपर चढ़ रहा है, नॉर्मल फोर्स ऑन इट इज, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा कम होगा ऊपर चढ़ते हुए, ये आपको बताना है। कितने लोगों का आंसर सही आ गया, कितने लोगों ने इसको एसिड जज कर दिया कि हाँ बढ़ेगा, और कितनों ने मैथमेटिकली सॉल्व किया इसे। देखो वैसे तो आप अपने मन से ही सॉल्व करने की कोशिश करोगे क्योंकि थ्योरी का क्वेश्चन है, पर एक्चुअल तरीका इसका ऐसा है, एक्चुअल तरीका ये बनेगा कि एक ओवरब्रिज बनाएं, एक बाइक बनाएं या कार बनाएं, ये रहा ऊपर चढ़ रहा है, और किसी भी ब्रिज के ऊपर या हेमिस्फेयर के ऊपर डायग्राम कैसे बनता है, एम जी, और मान लो इस बाइक ने इस वर्टिकल के साथ किसी भी इंस्टेंट पर एंगल क्या बनाया, थीटा। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि जैसे जैसे ये बाइक ऊपर चढ़ेगा थीटा क्या होगा, डिक्रीज 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 और एंड में जीरो हो जाएगा टॉप ऑफ पॉइंट पे। तो मान लो किसी भी इंस्टेंट पर एंगल क्या है, थीटा, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, एम जी के क्या बनेंगे, दो कॉम्पोनेंट्स, एक एम जी कॉस थीटा, एक एम जी साइन थीटा, और ये रहा इसका नॉर्मल रिएक्शन। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहाँ तक? अब क्योंकि बाइक या कार सर्कुलर मोशन में है तो इसके पास क्या होगी, सेंट्रिपिटल, सेंट्रिपिटल कहाँ एक्ट करेगी, टूवर्ड्स सेंटर, तो सेंटर ये रहा इसका, सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स है, एम जी कॉस थीटा, और इसके ऑपोजिट कौन है, एन, लेकिन नेट फोर्स कहाँ होनी बनती है, सेंटर, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एम जी कॉस थीटा माइनस एन ही इसकी सेंट्रिपिटल है, एम वी स्क्वायर बाय आर। क्या ये स्टेप क्लियर है, इक्वेशन क्लियर है? आपको इसमें क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन, तो एन एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ। बस आप मुझे ये बताएं, ना तो वी चेंज होगा, ना आर, ना एम, कुछ चेंज हो, एंगल चेंज होगा, जैसे जैसे वो बाइक ऊपर चढ़ेगा एंगल थीटा क्या होगा, कम, कॉस में जब एंगल कम होता है डिक्रीज होता है, जैसे 60 डिग्री, 45, 30 करते करते जीरो, कॉस जीरो मैक्सिमम है 1, तो एंगल जब डिक्रीज होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, तो इस इक्वेशन में जब ये इंक्रीज होगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज, तो नॉर्मल रिएक्शन विल इंक्रीज, आंसर इंक्रीज। तो ये तो चलो मैंने मैथमेटिकल किया, पर क्या पता कल को इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल आ जाए, वो एन की वैल्यू पूछ ले आपसे किसी एंगल थीटा पे, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसी इक्वेशन बनेगी। एंगल, एंगल की वैल्यू इसमें डिक्रीज इसलिए होगी, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है, अभी बाइक ऊपर चढ़ रहा है तो थीटा कम 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 जीरो, इसलिए। समझ में आ रहा है कि कैसे आपने इसको सोचना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा लगता है जैसे कॉनिकल पेंडुलम का है, क्योंकि जब भी हम ऐसे घुमाएंगे कॉनिकल पेंडुलम याद आएगा, तो आपको रिवीजन करनी चाहिए कॉनिकल पेंडुलम की। पॉइंट मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम लाइट थ्रेड ऑफ लेंथ एल, पॉइंट मास है, एल लेंथ है, वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, सर्कल में घुमा रहे हैं, एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड गिवन है, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, कह रहे हैं तुम्हारा यार पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं क्या है, स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू मास, बड़ी कॉम्प्लेक्स ही लाइन है, स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू मास, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मास आपको स्टेशनरी लग रहा है, यही इसका मतलब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको मास स्टेशनरी लग रहा है, जबकि मास घूम रहा है पर आपको स्टेशनरी लग रहा है, कह रहे फोर्सेज ऑन द मासेस आर व्हाट, तो मास पे फोर्स बताओ क्या लगेगी। अब हो गए ये कैसा अजीब सा क्वेश्चन है, अच्छा चलो नॉर्मल बातें करते हैं, इसकी बात छोड़ो, ये बॉडी सर्कल में घूम रही है, जब ये पॉइंट मास सर्कल में घूमेगा टेंशन एड करेगी टी, मानते हो, वेट एड करेगा डब्ल्यू, मानते हो, क्योंकि मास, आप अपने बेंच पे बैठे रहें, मतलब आप रेस्ट पे हैं और आप इसको घूमता देखें, तो मास एम किस में घूम रहा है, इन सर्कल, तो मास एम के पास कौन सी फोर्स होनी चाहिए, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल सर्कल में है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का होना कहाँ बनता है, टूवर्ड्स सेंटर, राइट, मानते हो, हाँ, तो ये फोर्स सेंटर में होनी चाहिए, पर वो ये कहता है कि नहीं, आप बेंच पे बैठ के देख रहे हो कि मास एम सर्कल में घूम रहा है, वो नहीं चाहता आप सर्कल में घूमता देखो, वो कहता है कि आपको मास रेस्ट पे नजर आना चाहिए, घूम रहा है पर आपको रेस्ट पे नजर आना चाहिए, तो आप एक काम करो, छोटे से बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आ जाओ और मास के ऊपर चढ़ के बैठ जाओ, सोचो ये मास घूम रहा है, आप मास के ऊपर खड़े हो, अब आपको मास क्या नजर आ रहा है, एट रेस्ट, और क्या करोगे, अब लिफ्ट वैसे तो ऊपर जा रही है, आपको लिफ्ट को रेस्ट में देखना है, चलते हुए लिफ्ट को लिफ्ट में जाके खड़ जाओ,
तो रेस्पिंद्रा हो जाएगी अपने आप ही। तो वो यही कह रहे हैं कि आपको मांस रेस्पिंद्रा ना चाहिए। अब सोचो आप कहाँ खड़ गए, मांस के ऊपर, मांस तो घूम रहा था। तो आपसे अगर बेंच पे बैठते हुए बच्चे से पूछा जाए कि तू बता भाई मांस कैसे घूम रहा है सर्कल में, मेरे से पूछो मैं तो मांस के ऊपर खड़ा हूं, मैं क्या कह रहा हूँ रेस्ट पे। अब मेरे से पूछो कि फोर्स कहाँ लग रही है, मैं कह रहा हूँ यार मांस के पास सेंट्रीपिटल है, मैं मांस के ऊपर हूँ, मेरे ऊपर क्या लगेगी सेंट्रीफ्यूगल, मैं गिरने की कोशिश कर रहा हूँ बाहर। तो मेरे हिसाब से फोर्स कहाँ है, बाहर। पर आपके हिसाब से फोर्स क्या होनी चाहिए जो रेस्ट पे है, अंदर। समझ में आ रहा है देखने का नजरिया, वही लिफ्ट वाले केसेस हैं। तो वैसे अगर रेस्ट पे देखा जाए, अगर आप रेस्ट पे हैं तो मास के पास सेंट्रिपिटल है, पर अगर आप मास के ऊपर बैठे हुए हैं तो आपको लगेगी सेंट्री फ्यूगल, इसलिए ये डायग्राम इसका बनेगा, कॉम्प्लेक्स है। समझ में आया यहाँ तक? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट है। पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ हॉरिजॉन्टल सर्कल इन अ कॉनिकल फनल। सुना सा लगता है कॉनिकल फनल? हाँ सुना हुआ है, कॉनिकल फनल हुज इनर सरफेस इज स्मूथ एंड स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड क्या है, 0.5 मीटर पर सेकेंड। वॉट इज द हाइट ऑफ द प्लेन ऑफ द सर्कल फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ द फनल। तो कह रहा है कि क्या हाइट है इसकी यहाँ से। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, जब इस टाइप का कोन जैसी प्रॉब्लम आती है, मैंने बोर्ड पे करके भी दिखाई थी, तो कोन जैसी प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से सॉल्व होगी। ये देखो ऐसे सॉल्व होगी, ठीक है, ये देखो ऐसे सॉल्व होगी। तो एंगल क्या है, थीटा। मैंने बताया था कि अगर मान लो ये पार्टिकल है तो प्लीज जो नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से पास होगा नहीं होगा ये कोई जरूरी नहीं है कोन में, ऐसा दिखाया था। फिर मैंने कहा था कि ये सर्कल में घूम रहा है, ये इसका ये सर्कल है, और मैंने कहा था कि अगर सर्कल में घूम रहा है तो ये इसके पास क्या होगी सेंट्रिपेटल, तो ये इसका नॉर्मल रिएक्शन है, और बाय ज्योमेट्री मैंने प्रूव किया था ये एंगल भी क्या हो जाता था, थीटा। याद है किया था, थीटा। तो अगर ये थीटा तो ये क्या है, एन कॉस थीटा, और ये क्या है, एन साइन थीटा, और वेट इसका कितना है, एम जी। तो इक्वेशन क्या बनाते होते थे हम, इक्वेशन थी एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, एंड सेकेंड इक्वेशन एन कॉस थीटा एक्टिंग टूवर्ड सेंटर इज इक्वल टू क्या, एम वी स्क्वायर बाय आर। ये आर है, क्लियर है यहाँ तक? तो इन्हें अगर डिवाइड करेंगे तो टैन थीटा किसके इक्वल आएगा, टैन थीटा की वैल्यू आएगी एम जी को एम वी स्क्वायर बाय आर से डिवाइड। ये आ गया। आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, एच एच इस राइट एंगल ट्राइंगल में आर है, ये एच है, तो टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी इसमें, आर डिवाइडेड बाय एच। तो यहां पर टैन थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय एच, इस जी आर बाय वी का स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, एच निकाल लेना यहां पे। ये देखो यही तो क्वेश्चन है, टैन थीटा आर बाय एच इक्वेट किया, एच आ गया, वी पता है, जी पता है आंसर, हाँ जी ठीक। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, कितने लोगों से ये क्वेश्चन हो गया था, हो गया था, कितने से नहीं हुआ, नहीं हुआ, अच्छा ठीक है, बड़ी बात नहीं करेंगे, आपसे पूछते हैं। पार्टिकल एक वर्टिकल सर्कल में कांस्टेंट स्पीड है, जबकि वर्टिकल सर्कल में कांस्टेंट स्पीड नहीं होती, स्पीड कम 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 कम, फिर ज्यादा ज्यादा ऐसे होती है। अब वो कह रहे हैं तो कह रहे हैं, स्पीड कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है, तो वी सेम है तो सेम है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, वो सेम कह रहे हैं तो ले रहे हो, सेम है सेम है, खत्म, सही है। आगे कह रहे हैं अब वो दो पोजीशंस को पास करती है, पहला एट एन एंगल ऑफ 30, दूसरा एट एन एंगल ऑफ 60 फ्रॉम दी वर्टिकल। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा है कि मान लो ये रहा सर्कल वर्टिकल के साथ, एक बार उसका एंगल क्या बना 30, कुछ देर के बाद एंगल क्या बना उसका 60। कह जब 30 बना तो टेंशन T1 है, 60 बना तो टेंशन T2 है, बोलो T1 बड़ा कि T2 छोटा, मुझे एक बात बताओ, टेंशन मैक्सिमम कहाँ होती है, नीचे, कम 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 मिनिमम, तो
तो फिर 30 पे ज्यादा होगी और 60 पे कम, तो T2 लेस देन T1 डन, खत्म हो गया। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, ऊपर जाने में टेंशन तो कम ही होगी, जितना बड़ा एंगल होगा टेंशन उतनी कम होगी, खत्म हो गया। कोई डाउट इसमें? ठीक है, बहुत बढ़िया। लो, कितने लोगों से क्वेश्चन हुआ? हुआ, देखो इसमें इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये स्ट्रिंग्स हैं, दो स्ट्रिंग्स हैं 1 1 मीटर की और दो मासेज हैं, दो मासेज पी एंड क्यू, ये सर्कल में घूम रहे हैं। और कौन से सर्कल में ये घूम रहे हैं? स्फीयर्स, हॉरिजॉन्टल। ये दिख वर्टिकल रहा है लेकिन ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और ये ऐसे घूमेंगे। एक बात बताओ कि जब ये यहाँ जाएंगे दोनों के दोनों, तो मान लो इन्होंने थीटा एंगल कवर किया, पी ने भी कवर किया, क्यू ने भी, तो एंगल तो बराबर ही कवर कर रहे हैं दोनों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है, इकट्ठे गए। और एंगल डिवाइडेड बाय टाइम को क्या बोलते हैं? ओमेगा। तो क्योंकि एंगल सेम है, टाइम सेम है, तो ओमेगा भी दोनों का एग्जैक्टली सेम है। तो इसलिए दोनों पार्टिकल जब घूमेंगे सर्कल में, तो ओमेगा की जो वैल्यू यहां पर आएगी वो दोनों के लिए क्या होगी? एग्जैक्टली सेम। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर सपोज करो ये दो पार्टिकल्स हैं, अब ये दो रस्सी हैं, तो इनमें क्या होगी? टेंशन। और आपको यही तो निकालना है, टेंशन इस पोर्शन में और टेंशन इस पोर्शन में, इनकी रेशियो क्या है। चलो एक काम करते हैं, ये एक स्ट्रिंग है, तो मान लेते हैं यहां पर टेंशन T1 एंड T1 है, और ये अलग स्ट्रिंग है, तो यहां पर टेंशन कितनी है? T2 एंड T2 है। क्या स्टेप क्लियर है? टेंशन T1 क्यों, टेंशन डिफरेंट क्यों ली? क्योंकि स्ट्रिंग्स डिफरेंट है। अच्छा, जब ये घूमेगी सर्कल में तो क्या ये टेंशन चेंज होंगी? नहीं। क्यों नहीं चेंज होंगी? हॉरिजॉन्टल सर्कल है, तो T1 रहेगी, T2 रहेगी। और अगर ये वर्टिकल होता, हर इंस्टेंट पर सारी टेंशन चेंज हो जाती। सही हो गया यहां पर? अच्छा, आप पहले क्यू की बात कर लो। क्यू से पूछो तेरा रेडियस क्या है, क्या बोलेगा? 1 + 1 = 2। क्यू से पूछो क्या तू सर्कल में मूव कर रहा है? ओके, बिल्कुल कर रहा हूं। तो तेरे को कौन सी फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है? बोलो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, इसमें बोलो कौन सी फोर्स टुवर्ड सेंटर है इसकी? T2? T2 फोर्स टुवर्ड सेंटर है, तो T2 इज इक्वल टू MR ओमेगा का स्क्वायर। वी स्क्वायर यूज नहीं करेंगे कि ओमेगा दोनों का कॉमन है, नहीं तो फिर वी के लिए निकालना पड़ेगा हमें। क्लियर है यहां तक? इक्वेशन क्लियर है? अच्छा, यही बात आप जरा पी से पूछना कि तू सर्कल में मूव कर रहा है? कर रहा हूं। कितने रेडियस में? 1 मीटर में। तेरे को कौन सी फोर्स टुवर्ड सेंटर एक्ट कर रही है? ये क्या कहेगा? फ्री बॉडी डायग्राम से T1, लेकिन कह रहा है एक प्रॉब्लम है, मेरे पीछे भी एक्ट कर रही है T2, पर मैंने कहा तू सर्कल मूव कर रहा है? कर रहा हूं। तो तेरी फोर्स कहां होनी चाहिए? नेट टुवर्ड्स सेंटर, क्योंकि तो सेपा सेंट्रीपिटल होनी चाहिए। तो यानी कि इसके लिए एक फोर्स T1, एक फोर्स T2, तो T1 शुड बी ग्रेटर देन, तो नेट फोर्स क्या है? T1 - T2 इज इक्वल टू क्या? M × 1 × ओमेगा का स्क्वायर। M × 1 ओमेगा का स्क्वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसके अंदर अगर हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करें, तो T1 - T2 इज इक्वल टू M × 1 × ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू M × 2 × ओमेगा का स्क्वायर। कैंसल। T1 / T2 - 1 = 1/2, तो T1 / T2 इज इक्वल टू कितना? 3/2। तो आप चेक कर लेना, आपको रेशियो अगर OP और PQ की पूछी है तो आंसर तो 3/2, पर अगर आपका PQ और OP पूछा है तो आंसर 2/3। अब चेक कर लेना इसमें क्या पूछा है, उसी हिसाब से आंसर आएगा। तो इसमें PQ और PO पूछा है तो आंसर 2/3 आएगा।
मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है आपने इस क्वेश्चन में? ठीक है, प्रैक्टिस ठीक है यहाँ तक। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने लोगों को डाउट है इसमें और कितनों का हो गया? हो गया। देखो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग वर्लिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी आर इन द 5:3। तो मैंने भी सोचा मैक्सिमम मिनिमम टेंशन, मैंने कहा मैं तो बहुत एक्सपर्ट हूँ, मेरे को बहुत फिजिक्स आती है, रट्टे मार के आ रखा हूँ। तो मैंने कहा ले फिर टी मैक्स अपॉन टी मिनिमम इज इक्वल टू कितने है? 5:3। और मुझे याद था कि मैं पढ़ के भी आया हूँ, टी मैक्स माइनस टी मिनिमम वर्टिकल सर्कल में क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? लास्ट टाइम तो किया 6 mg 6 mg, नहीं मैं दवाइयों की बात नहीं कर रहा, 6 mg की गोली खा लो, 6 mg 6 times वेट है। समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो ये याद करो, प्रूव किया था दिस इज इक्वल टू 6 mg। मैंने ये क्वेश्चन दूसरे बैच से पूछा, नहीं आता था, आप चिंता ना करो सारे एक जैसे हैं, ठीक है आप नॉर्मल हैं। तो मैंने कहा मंडे को टेस्ट है। अब उनकी बात लॉजिक थी कि सर संडे को फुल से मन नहीं करेगा शाम को, तो फिर मैंने वेडनेसडे कर दिया, वेडनेसडे को टेस्ट है सर्कुलर का, पढ़ के आना रिवाइज मेरी शीट सारी वेडनेसडे को, नहीं मेरी शीट सिर्फ शीट्स में से ये जी, संडे के बाद वाला वेडनेसडे, नहीं तो भूल जाओगे इतने में तो। सर शीट सर्कुलर की पूरी आएंगी तो पूरी आएंगी, अब आधी क्यों डालूंगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही। जब आपको टी मैक्स माइनस टी मिनिमम 6 mg नहीं आ रहा तो मैं आगे कैसे चलूँ, ये तो बता दो, कुछ तो रिवाइज करके आओगे ही। ओके मेन पॉइंट पे आओ, मेन पॉइंट पे आओ, क्या ये पॉइंट क्लियर है? प्लीज साइलेंस, क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या मैं ये लगा सकता हूँ? लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता, नहीं मास का चक्कर ही नहीं है, लो मास ले लो, एम दे दिया, अब लगा सकता हूँ? ये तो मैंने खुद करवाया लास्ट टाइम, मैं क्यों नहीं लगा सकता इस क्वेश्चन में? कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है, हमने वर्टिकल सर्कल में वेलोसिटी को चेंजिंग माना था, तो वो मिनिमम का केस था, कम से कम वेलोसिटी निकालो, और टेंशन मिनिमम क्या होती थी टॉप मोस्ट पॉइंट पर, जीरो लेके सॉल्व हुआ, इसने थोड़ा कहा कि जीरो लो, और वेलोसिटी भी सेम रखी इसने, तो मैं इस रिजल्ट को नहीं लगा सकता, काटा मार दो, ठीक है। जबकि ऐसा लगता है कि मैं लगा सकता हूँ, पॉइंट समझ में आया यहाँ तक? ठीक हो गया, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? पहला ऑप्शन क्वेश्चन बंद कर दूं क्या करूं? नहीं हम ऐसा हाँ सही कह रहे हो, सेम लॉसिंग बिल्कुल सही, ऐसे ही करेंगे। मैं यानी कि फिर से अपना क्वेश्चन डराई भी कर सकता हूं, क्योंकि रिजल्ट तो लग नहीं रहे, जब रिजल्ट नहीं लग रहे तो फिर से ही क्वेश्चन बना लेता हूं सेम वेलोसिटी के साथ, कैसे? एक लोएस्ट पॉइंट और एक हाईएस्ट पॉइंट, अब फिर से करना पड़ेगा, कैसे? क्योंकि सेंट्रिपिटल है तो टी मैक्स माइनस एमजी एमवी स्क्वायर बाय आर पहली इक्वेशन, और टी मैक्स प्लस एमजी एमवी स्क्वायर बाय आर दूसरी इक्वेशन। अब वेलोसिटी चेंज नहीं करनी, दोनों में वी एंड वी,
तो यहाँ से सॉल्व करके टी मैक्स निकाल लो, यहाँ से सॉल्व करके टी मिनिमम निकाल लो, इन्हें डिवाइड कर दो। जब आप इन्हें डिवाइड करोगे तो इनकी रेशियो ऑलरेडी आपको गिवन है कितनी, 5/3। तो मास 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 कैंसल, आपको इसमें आर गिवन है क्वेश्चन में, वी निकालना है, वी निकाल लेना आंसर। मेथड समझ में आया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। साइलेंस प्लीज, आगे देखो, आगे देखो प्लीज। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल फिक्स्ड एट वन एंड एंड कैरीज अ मास एम, और स्ट्रिंग क्या बना रही है, 2/5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड का मतलब क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। किस टॉपिक की याद आ रही है, कॉनिकल पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम। तो कॉनिकल पेंडुलम का रूल लगेगा इसमें, फॉर्मूला मुझे नहीं आता। आगे टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालो, फॉर्मूला सच में नहीं आता मेरे को, तो मेरे को क्या आता है, टेंशन बनाओ फिर इसकी। कॉनिकल में क्या क्या था, टी, फिर ये थीटा, थीटा टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, और रेडियस क्या है इसका, आर। इसमें गलती होगी, एम आर मतलब बाहर नहीं है, एम आर ये सेंट्रीपेटल कहाँ होगी, इनसाइड, पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल, सेंट्रीफ्यूगल नहीं होगी इसमें। तो पहली क्वेश्चन क्या बनेगी, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, टी कॉस थीटा एम जी, और दूसरी टी साइन थीटा इज एक्टिंग लाइक सेंट्रीपिटल, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्या है पॉइंट, क्लियर है? तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट, क्लियर है? अब इसमें साइन थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा आर बाय एल, सिखाया था आर गिवन नहीं होता, तो आर की जगह एल साइन थीटा। इसमें कुछ करना ही है, टेंशन निकालनी है, तो यहां से साइन साइन कैंसिल, टेंशन आ गई, आपको ओमेगा गिवन नहीं है, ओमेगा 2/2 फ्रीक्वेंसी, 2/2 फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ये टर्म आ गया, और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है 2/5, इस फ्रीक्वेंसी की जगह पुट करो 2/5 आंसर। तो बेसिकली कॉनिकल पेंडुलम के क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन निकाल के पूछ लिया। तो अगर आपको कॉनिकल पेंडुलम करना आता है फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर तो कर ही लोगे। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, देखा लगता है, देखा नहीं लगता, हेमीस्फेयर जब गोल घूमता है, पता नहीं था क्लास में किया तो हुआ है हेमीस्फेयर वाली प्रॉब्लम, तो सेम ही तो है, कोन वाली प्रॉब्लम, हेमीस्फेयर वाली प्रॉब्लम, और ये सब एक ही तो बात है। तो हेमीस्फेयर वाली प्रॉब्लम ने की हुई है ऑलरेडी, याद आ रही है, शीट की प्रॉब्लम ही आपकी, हैंड एंड शीट में जो हमने हेमीस्फेयर किया था, ये एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है, राइट। इसकी जगह अच्छा नेक्स्ट शीट है, नेक्स्ट शीट पे आते हैं, 19th में, 19th के अंदर जो भी आपकी शीट नंबर है, ये पहला क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे जाएं, हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ बाउल ऑफ रेडियस आर इज रोटेटिंग, अरे हेमिस्फेयर का फिर क्वेश्चन आ गया, हेमिस्फेयर घूम रहा है, अपनी हैंड एंड शीट चेक करना, ओमेगा निकाला था हमने उसमें, ओमेगा मार्क करो, इसमें क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर गलत है, चेक करके बताओ क्या आंसर आएगा इसका, सी, इसका आंसर ए नहीं है, चेक करो शीट अपनी, चेक कर लो, सी है ना, किया हुआ है हमने हेमिस्फेयर, आंसर इज सी, चेक कर लो। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, क्लियर है, मिल गया सी, क्लियर है? तो हेमिस्फेयर वाली प्रॉब्लम समझ में आ रही है, ओके। नेक्स्ट है, ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ध्यान आगे, ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन
लेटर कर्व्स इनटू अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर एज शोन. मिनिमम हाइट एच बताओ ताकि एक सर्कल कंप्लीट हो जाए. किया हुआ है कि नहीं किया हुआ? क्या लगाया इसमें कॉन्सेप्ट? हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन. यही प्रैक्टिस है. जब आप कर लेते हो और दूसरी बार करते हो आपको पता होता है आपको क्या करना है. माइंड समझ में आ रहा है? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. ब्लेड्स ऑफ एरोप्लेन प्रोपेलर आर रोटेटिंग एट अ रेट ऑफ 600 रेवोल्यूशन पर मिनट. क्या गिवन है? आरपीएम का मतलब फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी 600 आरपीएम. आरपीएम में काम नहीं होता, आरपीएस में होता है. 60 से डिवाइड करो, 60 नहीं होना चाहिए था, 60 से डिवाइड करो, 6 नहीं है 60 है. तो 60 से डिवाइड करो तो क्या जाएगी? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी आएगी तो क्या आएगा? ओमेगा. ठीक हो गया. शीट में क्वेश्चन नहीं है, चलो अब है तो यहाँ से कर लो. क्या निकालना है? कैलकुलेट इन एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है? ओमेगा. अब सिंपल हो गया, आपको ओमेगा ही निकालना है. फ्रीक्वेंसी का ओमेगा निकालना हो तो क्या ही चाहिए, खत्म हो गया. क्वेश्चन हो तो ऐसे हो, है कि नहीं? ठीक. क्वेश्चन नंबर 4. अ कार ऑफ मास गिवन मूविंग विद अ स्पीड गिवन वी गिवन सर्कुलर पाथ ऑफ 20 मीटर ऑन अ लेवल रोड. लेवल रोड गिवन है. व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? म्यू निकालो यार. आपको इसमें म्यू निकालना है टू अटेन दिस फोर्स, ताकि वेलोसिटी 12.5 रहे. लेवल रोड का फॉर्मूला मेरे को आता है, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी. तो वी पता है, आर पता है, जी पता है, म्यू निकाल लेना आंसर. छोड़ो इसे, याद है लेवल रोड का, ये की तो फॉर्मूला है आंसर. ठीक हो गया यहाँ तक? कितनों का हो गया था ये? हो गया होगा ये तो. क्वेश्चन नंबर 4. कितने लोगों का नहीं हुआ था? अच्छा, क्वेश्चन पढ़ लें. एक पेंडुलम है, हॉरिजॉन्टल में था, रिलीज कर दिया. एक्सेलरेशन निकाल लो. जब उसने एंगल थीटा बना लिया वर्टिकल के साथ, तो क्या इसकी एक्सेलरेशन निकाल लोगे? किया हुआ है? कब किया? आज का पहला क्वेश्चन ही था. ATAC, जब थीटा यहाँ हॉरिजॉन्टल पेंडुलम था नीचे आया, तो उसकी एक्सेलरेशन निकालो तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी. तो मैंने आपको आज बताया कि जब ये नीचे आएगा तो इसके पास एक्सेलरेशन होगी एक जी साइन थीटा. इसका नाम क्या होगा? AT. और एक होगी AC. फिर नेट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर का स्क्वायर. फिर वेलोसिटी निकालनी थी, एनर्जी कंजर्व. आज का पहला क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहीं से तो थी. यही तो था. ठीक, तो क्या हुआ ये? ठीक हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. कार व्हील इज रोटेटेड टू यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन. इनिशियल ओमेगा 0. इट रोटेट थीटा 1 इन 2 सेकेंड और थीटा 2 इन नेक्स्ट 2 सेकेंड. किया हुआ कि नहीं किया हुआ? आज भी किया था. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, राइट? सेम है. ओके, ये भी हो गया. ये क्वेश्चन मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये अच्छा है नहीं वैसे तो. चलो जैसा भी है, आपकी बुक्स का ये आपकी बुक में से लिया हुआ, DC पांडे में से ही. वो ऐसे ही डायग्राम बनाता है और करता है, तो लोग डाउट लेके आते हैं. सिर्फ डाउट के लिए बता रहा हूँ. आपको पसंद आए तो मुझे बता देना, सर बहुत बढ़िया लगा. ठीक, तो 2 वायर्स हैं A और B, और वो एक स्फेयर है, कोई मुझे पता नहीं है क्या, पता नहीं, कोशिश कर रहा है. एक स्फेयर के साथ बांध रखी है रस्सी और स्फेयर गोल घूम रहा है, बस ये क्वेश्चन है. मतलब एक रस्सी के साथ तो आपने बॉडी को घूमता देखा. बॉडी एक ही है, रस्सी कितनी है? 2 है, और एक 45 पे, एक 30 पे. अब वो क्या कह रहा है इसमें? प्रॉब्लम 2 रस्सी हैं तो 2 टेंशन है, एक में T1 एक में T2. तो आपको इसमें क्या निकालना है? आपको रेडियस इसमें गिवन है सर्कल का, मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ इसमें क्या होगी. वी निकालना है आपको, बी की वैल्यू निकालनी है, राइट? देखो आप एक रस्सी ले लो, पहले एक रस्सी ली 45 डिग्री वाली ले ली, तो ये जो भी सर्कल में घूम रही है बॉडी, तो
अगर ये 45 45, टेंशन है इसमें T1, इसके दो कंपोनेंट होंगे T1 cos 45, T1 sin 45, T1 sin 45 सेंटर की तरफ होगा, राइट। दूसरी रस्सी का भी सेम डायग्राम बनेगा, पर टेंशन T1 की जगह T2, अब रस्सियां तो एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड हैं, तो इकट्ठा डायग्राम बना लेते हैं। एक डायग्राम T1 cos 45, T1 sin 45, दूसरी रस्सी का T2 cos 30, T2 sin 30, एक ही जगह एक वेक्टर ऊपर जाएगा, दोनों का एक वेक्टर सेंटर की तरफ जाएगा। जो ऊपर जाएगा टोटल वो वेट को बैलेंस करेगा, और जो सेंटर की तरफ जाएगा सेंटर की इनका वो MV² / R होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इस क्वेश्चन की एक प्रॉब्लम है, बोलो क्या प्रॉब्लम है, मुझे वी निकालना है। तो प्रॉब्लम कहाँ है फिर? साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेते हैं, साइमल्टेनियस सॉल्व करके वी निकाल लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? मुझे दिख रही है प्रॉब्लम, बोलो क्या? नहीं, इनमें से मुझे वी निकालना है। क्या मैं कर सकता हूँ सॉल्व इसे, हाँ या ना? क्या तुम्हें T1 पता है? नहीं। क्या तुम्हें T2 पता है? नहीं। क्या तुम्हें V पता है? नहीं। कितने वेरिएबल हैं? इक्वेशंस कितनी हैं? हाँ, आदमी 3 और गोली 2, वही है। अब इक्वेशन तो बन गई 2, निकालनी क्या है? 3 चीज़ें। तो ऐसा तो मैथ्स का कोई लॉजिक है ही नहीं, 2 इक्वेशन में से 3 वेरिएबल कैसे सॉल्व करोगे, 2 में से 2 सॉल्व होते हैं, समझ गए बात? अब फिजिक्स वाले थोड़ी चलाकी दिखाते हैं। क्या चलाकी है? इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप T2 निकाल लो। T2 वेरिएबल है, V भी वेरिएबल है, T2 इन टर्म्स ऑफ V निकाल लिया, निकल गया। फिर देखो वो कहते हैं T2 होगा तो टेंशन तो पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव तो होती नहीं, तो T2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 होगी या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी ऐसा होगा। तो ये न्यूमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन लगा दी कि भाई ये तो पॉजिटिव होगा, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो लो एम ये राइट साइड चला गया, एम से एम कैंसिल, वेलोसिटी शुड बी लेस देन इक्वल टू रूट आर जी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है? अंडर रूट ऑफ आर जी। क्वेश्चन बता दिया मैंने, आपके बुक्स में है, पर आप कोई टेंशन नहीं, आ गया समझ तो कोई बात नहीं, आएगा तो भी बात। कोन वाला क्वेश्चन सेम रिपीट है, अब तो ये 2-3 बार आ गया, सेम रिपीट है, कुछ नहीं करना। 9th क्वेश्चन करके दिखाओ, 2 रस्सियां थी, इस बार 3 है, करो सॉल्व। T1 T1, T2 T2, T3 T3, बनाओ इक्वेशन और सॉल्व करो। अभी मैंने ये क्वेश्चन करवाया नहीं, ओमेगा तीनों के लिए क्या रहेगा? एग्जैक्टली सेम। यहां टेंशन क्या लेंगे? T1 T1, यहां क्या लेंगे? T2 T2, यहां पर T3, तीनों की इक्वेशन बनाओ।
देखो, क्या आपने ऐसा डायग्राम बनाया? बनाओ क्वेश्चन फिर। ये एल है, ये एल है, ये एल है, तो टी वन टी वन, टी टू टी टू, टी थ्री टी थ्री। तो सी बॉडी से स्टार्ट करते हैं। सी जो है उसकी फोर्स कहाँ एक्ट होनी चाहिए? टुवर्ड सेंटर। तो कौन सी फोर्स टुवर्ड सेंटर है? सिर्फ टी थ्री। तो टी थ्री इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर में लेंथ कितनी, आर कितना, थ्री एल। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है। फिर सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन के अंदर इसकी बात करते हैं। बी, बी कहते हैं टूवर्ड सेंटर फोर्स है टी टू और पीछे की तरफ टी थ्री, तो नेट कहाँ आनी चाहिए? टूवर्ड्स सेंटर। तो टी टू माइनस टी थ्री एम ट्वेल्व ओमेगा स्क्वायर। क्लियर हो गया? ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है ए की बात करते हैं। ए कहता है लेफ्ट की तरफ है टी वन, राइट की तरफ है टी टू, नेट का है टी वन माइनस टी टू एम एल ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। तो ये तीन इक्वेशंस हैं, साइमल्टेनियसली इन्हें सॉल्व करें तो टी वन टी टू टी थ्री की रेशियो आ जाए। पहले काम करेंगे, टी थ्री को यहाँ पुट करेंगे टी टू आएगा, टी टू सॉल्व करेंगे यहाँ पुट करेंगे टी वन आएगा, डिवाइड करेंगे आंसर आएगा। मेथड समझ में आया? इक्वेशन समझ में आ रही हैं? कैसी इक्वेशन बनेंगी? दो की जगह तीन मासेस हैं, एक ही बात है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है, किया हुआ है कि नहीं किया हुआ? नहीं, ये पढ़ना नहीं है, यहाँ से देख के याद आ रहा है कौन सा क्वेश्चन है? बीड वाला, बीड वाली प्रॉब्लम है। ठीक है। नेक्स्ट इलेवेंथ, लेंथ ऑफ द सेकेंड हैंड इन अ वॉच, लंबाई जो है सेकेंड हैंड की 1 सेंटीमीटर लंबी सुई है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द टिप इन 15 सेकेंड इज व्हाट। तो चेंज इन वेलोसिटी आपको निकालनी है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? वी टू वैक्टर माइनस वी वन वैक्टर। और स्केलर फॉर्म में निकालनी है तो फिर क्या करेंगे? वी वन स्क्वायर वी टू स्क्वायर माइनस टू वी वन वी टू कॉस थीटा। और ऐसा कब निकालना है? 15 सेकेंड में। 60 सेकेंड में तो सुई पूरी गोल गोल घूम जाती है, 15 सेकेंड में तो 90 डिग्री एंगल कवर करेगी, तो एंगल यहां पर क्या होगा? 90। तो यहां पर दो वेलोसिटी के बीच में एंगल क्या बनेगा? 90। तो नेट आंसर रूट टू वी। प्रॉब्लम यह है कि आंसर है ही नहीं ऑप्शन में रूट टू वी का। कोई बात नहीं, वी इक्वल टू आर ओमेगा कर लेते हैं। तो वी की जगह आर ओमेगा, क्योंकि आर मुझे पता है 1 सेंटीमीटर, ओमेगा नहीं पता। अब एक सुई जो है 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, तो टाइम पीरियड क्या है? 60। तो ओमेगा क्या है? 2π/60 आंसर। अब आएगा आंसर, तो वी की फॉर्म में आंसर नहीं है, वी को रिप्लेस करना पड़ेगा बाय आर ओमेगा। ओमेगा इज 2π/60। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक। अब देखो ना कैसे स्विच हो रहे हैं क्वेश्चंस, कभी घड़ी पे आ जाता है, कभी वेक्टर पे आ जाता है, कभी इंक्लाइन पेंडुलम पे आ जाता है, कभी हेमिस्फेयर, कभी कोन, कभी कुछ कर, तो मतलब इसकी वैरायटी ठीक ठाक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक। तो आज काम दूंगा कुछ करने के लिए, आप करके आएंगे। वेटलेस थ्रेड कैन बेयर अ टेंशन अप टू 3.7 kg वेट। पहली बात तो टेंशन फोर्स है, इसके यूनिट अगर kg वेट है, तो याद रखना kg वेट को अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो इसको जी से मल्टीप्लाई कर दो, 9.8 की जगह 10 कर दो, आंसर न्यूटन में। तो टेंशन आ गई 37। वो कह रहे हैं इट कैन बेयर अ वेट, इससे ज्यादा वो सह नहीं पाएगा, इसका मतलब टेंशन क्या है? मैक्सिमम। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम टेंशन है। और वो कह रहे हैं स्टोन 500 ग्राम का स्टोन है, टाइट एंड रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 4 मीटर, वर्टिकल प्लेन 4 मीटर के रेडियस में वर्टिकल घूम रहा है, और टेंशन मैक्सिमम है। तो ये पत्थर की लोकेशन कहां होगी? टॉप की बॉटम? बॉटम, क्योंकि मैक्सिमम टेंशन कहां पाई जाती है? एट। तो ये डायग्राम बॉटम से स्टार्ट होगा। ठीक है। क्या निकालना है इसमें आपको? वेलोसिटी एंगल ओमेगा निकालना है। कोई बात नहीं, बॉटम पे इक्वेशन बना लें, इट इज अ सर्कुलर मोशन, तो इक्वेशन क्या बनेगी? टी मैक्स माइनस एम जी इज एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम वी स्क्वायर बाय आर भी कर सकते थे, पर उसने ओमेगा निकालने को कहा, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो टी मैक्स क्या है? एम जी प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर। टी मैक्स पता है, मास पता है, जी पता है, मास पता है, रेडियस पता है, ओमेगा निकाल लेना आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ये समझ में आ रहा है, मैं ये मान रहा हूं, लेकिन जब आप करेंगे ना तो ये इतना इजी नहीं है, ये इतना इजी नहीं है जितना आपको। हाँ, आप क्लास में आते हैं, आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं कि हाँ इस प्रॉब्लम को ऐसे करना है इसको। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे आपका एक्सपीरियंस पक्का नहीं होगा, फिर आप फिर भूल जाएंगे, आप सीधा न्यूमेरिकल करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। तो पहला काम क्या है जो क्लास में करते हैं, जो शीट्स हैं सब कुछ, उसे प्रॉपर रिवाइज कर लें, फिर आप नए क्वेश्चन ट्राई करें, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी इससे। ठीक। धीरे 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 करके सक्सेस मिलेगी।
समझ में आ रहा है, क्वेश्चन देखा था लगता है, किया हुआ है, कैसे किया था, क्या पोटेंशियल एंड काइनेटिक का सम बराबर किया था, किया था दो तीन बार आ गया आप तो ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ये नहीं किया, क्वेश्चन पढ़ना। बॉटम बॉटम पेंडुलम की मीन पोजीशन बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट होती है। तो देखो इसमें सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट्स इन अ वर्टिकल प्लेन, दिस इज अ वर्टिकल प्लेन, व्हेन इट पासेस थ्रू अ मीन पोजीशन बॉटम मोस्ट पॉइंट पोजीशन को क्रॉस करता है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 3 times द वेट ऑफ द पेंडुलम बॉब। तो टेंशन मैक्सिमम होती है बॉटम मोस्ट पॉइंट, और कह रहा है कितनी टेंशन है मैक्सिमम, 3 times जितना उसका वेट है, वेट कितना है mg, तो टी मैक्स कितना है 3 times mg। वॉट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, तो कह रहे हैं वो दूर से दूर कितनी दूर जा सकता है पेंडुलम ये बताओ, तो आपको एंगल निकालना है, ऑप्शन देखो तो आपको ये एंगल निकालना है। तो रूल नंबर 1, जब ये पेंडुलम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होगा, मान लो यहां से यहां आया, तो इसकी वेलोसिटी वी है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी वी है, तो टी मैक्स माइनस एम जी इज एम वी स्क्वायर बाई एल, सर्कुलर मोशन है, टी मैक्स की वैल्यू आ गई, और टी मैक्स किसके इक्वल है 3 times वेट, पुट कर दिया 2 mg, एम सी एम कैंसिल, वेलोसिटी आ गई, तो वेलोसिटी कहाँ गई एट लोएस्ट पॉइंट, समझ में आ गया। तो इस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने में हमने क्या किया, सेंट्रीपेटल फोर्स की हेल्प ली, पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। लेकिन कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर वेलोसिटी तो एक और तरीके से निकल सकती थी, मैंने कहा क्या, कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि जब एक पेंडुलम मूव करता है और हमें पता है कि उसकी एक्सट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी 0, और बॉटम पे वी है, तो मैं वेलोसिटी एनर्जी से भी निकाल सकता हूं, कैसे, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यहां पोटेंशियल क्या है एम जी एच, और एच क्या होता है एल माइनस एल कॉस, तो एम जी इंटू एल माइनस एल कॉस थीटा, और यहां काइनेटिक कितनी है 1/2 mv², तो हमने ऐसे क्वेश्चन किए, तो यहां से एम और एम कैंसिल करके ये भी वेलोसिटी आ गई, तो एक बार वेलोसिटी फोर्स से निकाल दी, एक बार वेलोसिटी एनर्जी से निकाल दी, दोनों वेलोसिटी वेलोसिटी को इक्वेट कर दिया, इसे और इसे इक्वेट करो, स्क्वेयरिंग करो, आंसर कॉस थीटा 0 आएगा, थीटा 90। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। और ये लास्ट क्वेश्चन, इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, एक फिगर है, पार्टिकल को हाईएस्ट पॉइंट पे हमने रख दिया, फेयर स्मूथ है, हल्का सा पुश दिया ए पॉइंट से पार्टिकल को, वो चल पड़ा, हल्का सा पुश का मतलब u0 ना बराबर, नीचे आया, इस पॉइंट पे आके उसे कॉन्टैक्ट छोड़ दिया, हवा में चला गया, तो आपको ये बताना है कि ये एच कितने है, कब उसने कांटेक्ट छोड़ा। मैं यहाँ से नहीं समझाऊंगा, मैं इस क्वेश्चन को ना खुद यहाँ से ड्रॉ करूंगा, ये समझाऊंगा, देखो ऐसे, ठीक है, यहाँ से समझाता हूँ कि एक्चुअल में क्वेश्चन में है क्या गिवन। ये देखो, सपोज करो ये लो, सपोज करो ये आपका एक स्फीयर है, ठीक है, ध्यान से सुना, ये स्फीयर है, इस स्फीयर के ऊपर
एक छोटा सा पार्टिकल है, मास है कोई भी, रेस्ट पे पड़ा हुआ था, हल्का सा डिस्प्लेस किया, ना मात्र वेलोसिटी, तो यू इज इक्वल टू हिला दिया, स्मूथ था, नीचे चल पड़ा। अब नीचे आते आते एक ऐसे पोजीशन पे आ गया कि इस पोजीशन के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर ये सीधा कहाँ गिरने वाला है, नीचे, ये हवा में आ जाएगा, कॉन्टैक्ट लूज कर जाएगा जिसे बोलते हैं, ठीक। तो आपको ये बताना है कि ये हाइट क्या होगी जब इसने कॉन्टैक्ट को लूज किया, ये वाली हाइट, तो आपको बताना है ये हाइट क्या होगी। तो क्वेश्चन समझ में आ गया यहां तक, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, क्वेश्चन समझ में आ गया यहां तक, ठीक है यहां तक। अब इसमें आपको दो पोजीशंस की बने यहां पे, ठीक। आपको इस क्वेश्चन को करना कैसे है, आपने इस लाइन को ना सेंटर तक ले जाओ और ये भी ऐसे, तो मान लो वर्टिकल पे ये एंगल थीटा बना जब इस बॉडी ने अपना कॉन्टैक्ट छोड़ दिया, ठीक हो गया यहां तक, मान लेना है कि एंगल क्या है, थीटा है, ठीक। नेक्स्ट है, अब ये जो है इसका क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, इसका वेट बॉडी का कहां एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो वेट कितना है, एमजी, एमजी। तो अगर ये थीटा तो ये भी क्या है, थीटा, तो वेट का एक कंपोनेंट कहां एक्ट करेगा, टुवर्ड्स सेंटर, कितना, एमजी कॉस थीटा, और एक टेंजेंशियल जिसको नीचे लेके जाएगा, एमजी साइन थीटा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, सही है। तो ये यू से स्टार्ट हुआ था, नीचे आते 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 किसी इंस्टेंट में यहां वेलोसिटी क्या है, वी, इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन, तो इस ब्लॉक के पास क्या होगी, सेंट्रीपेटल, कहां एड करेगी, टुवर्ड्स सेंटर, कौन सी फोर्स है टुवर्ड्स सेंटर, एमजी कॉस थीटा, तो कौन सी फोर्स है, एमजी कॉस थीटा, और इसके ऑपोजिट फोर्स क्या है, एन, एमजी कॉस थीटा माइनस एन, क्योंकि नेट फोर्स कहां होनी चाहिए, टुवर्ड्स सेंटर, तो एमजी कॉस थीटा बड़ा एन छोटा, तो एमजी कॉस थीटा माइनस एन इज इक्वल टू क्या, एम वी स्क्वायर बाय रेडियस आर, और रेडियस क्या है, ये पूरे का पूरा क्या है, रेडियस है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है यहां तक, एम वी स्क्वायर और ये भी रेडियस है, इक्वेशन क्लियर है, सही है। तो जब भी हेमिस्फीयर के ऊपर कोई चीज नीचे आ रही हो, यही कॉन्सेप्ट है, आपको ये कैसे ख्याल में आएगा, आज क्वेश्चन करवाया मैंने, एक बंदा ओवरब्रिज पे चढ़ रहा है, सेम ही डायग्राम था ब्रिज वाला, तो ब्रिज वाला डायग्राम ये ब्रिज लगा लो, ब्रिज के ऊपर बाइक चढ़ रही थी, सेम ही तो बनाया था, एम जी, एम जी कॉस थीटा, एम जी। तो जितने भी क्वेश्चन ब्रिज पे चढ़ने वाले, ब्रिज के नीचे उतरने वाले, एक ही कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, यही डायग्राम करते हैं, समझ में आए यहां तक, बताता हूँ। वेलोसिटी तो खुद अज्यूम की है, अभी निकालनी पड़ेगी, खत्म नहीं हुआ सर, खत्म तो ये क्लियर है। उसने कहा बॉडी ने अपना कॉन्टैक्ट लूज कर दिया, जिस भी क्वेश्चन में ये लिखा हो, बॉडी ने अपना कॉन्टैक्ट लूज कर दिया, सबसे पहले वो हवा में आ गई, हवा में आती नॉर्मल रिएक्शन जीरो, एन जीरो हवा में आ गई, तो यानी क्या आ गया, एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, एम वी स्क्वायर बाय एम से एम कैंसल, क्या स्टेप क्लियर है, ठीक है। आपको एच निकालना है इसमें, अच्छा एक बार बताओ ये ज्योमेट्री देखना प्लीज, यहां पर ये डिस्टेंस कितने है बताओ, आर माइनस एच कर लें, ये डिस्टेंस जो है टोटल जो है वो आर है, ये एच है, तो ये कितना हुआ आर, और ये कितना है आर, तो कॉस थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, आर माइनस एच डिवाइडेड बाय आर, क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, कॉस थीटा आर माइनस एच डिवाइडेड बाय आर, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, ये टर्म आ गई। अब h तो निकाल दूं, प्रॉब्लम एक है यार, वेलोसिटी तो गिवन ही नहीं है, खुद अज्यूम की है, वेलोसिटी तो u जीरो गिवन है सिर्फ, नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन, एक पॉइंट की वेलोसिटी गिवन है, दूसरे की निकालनी है, एनर्जी कंजर्वेशन, कैसे, टॉप मोस्ट पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, और इस पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इट विल रिमेन सेम, इसी को ग्राउंड मान लेते हैं प्लीज, यही ग्राउंड है, आंसर दो प्लीज, यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, एम जी एच, ग्राउंड है, काइनेटिक क्या है, यहां पर पोटेंशियल क्या है, और काइनेटिक क्या है, हाफ एम वी, तो यहां से एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम
तो v की वैल्यू क्या आ गई, रूट इस वेलोसिटी को उठा के यहां पुट कर दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर वो h निकाल के h का आंसर आएगा। ठीक, g की वैल्यू नहीं, g की फॉर्म में चलने दो ना, g g कट जाएगा।